भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है और 15 अगस्त को भारत 75वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहा है। इसी के क्रम में भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह शुरू किया है और इसे अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर ये है कि इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है जिसका नाम है आजादी सैट। नमस्कार, स्वागत आपका india.com पर। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है आजादी सैट और इसे छोड़ने के पीछे मकसद क्या है। एक रिलेवेंट टॉपिक जरूर मैं यहाँ शेयर कर दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2022 को अंतरिक्ष में महिला यानी वुमेन इन स्पेस घोषित किया है और इसी के क्रम में इस सैटेलाइट को तैयार करने में लड़कियों की, खासतौर पर महिला छात्राओं की भूमिका रही है। तो आइए जानते हैं कितनी छात्राओं ने इसे तैयार किया है और ये सैटेलाइट जब स्पेस में पहुंचेगा, अंतरिक्ष की, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचेगा, उस दौरान क्या इसकी भूमिका रहेगी। भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसी क्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने पहले छोटे उपग्रह यान SSLV से इस सप्ताह आजादी सेट लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, आजादी सेट नाम के इस सैटेलाइट को देश भर के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने तैयार किया है। इस सैटेलाइट का वजन 8 किलो है और इसमें 75 फेमटो एक्सपेरिमेंट सेल्फी कैमरे लगे हैं जो अपने सौर पैनलों और लंबी दूरी के संचार ट्रांसपोंडर की तस्वीरें लेंगे। इस सैटेलाइट की सफलता से वैसे तो देश भर को खुशी होगी, लेकिन विशेष खुशी मिलेगी उन 750 छात्राओं को जिन्होंने इसे तैयार किया है। नीति आयोग की साझेदारी से 8वीं से 12वीं कक्षा की छात्राएं इसके लिए चुनी गई। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने इस पहल में CSR के तहत 58 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई ने इसके लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए भी ये खास अवसर होगा क्योंकि ये इसे लॉन्च करने के लिए जिस SSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अंतरिक्ष की पहली बार उड़ान भरेगा। संयुक्त राष्ट्र की थीम अंतरिक्ष में महिलाएं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करने का मौका छात्राओं को दिया गया था। साथ ही इसके पीछे ये संदेश देने की कोशिश भी है कि महिलाओं के लिए अंतरिक्ष का आसमान भी खुला हुआ है। अगर हम SSLV की विशेषताओं की बात करें तो इसरो ने इसे हाल ही में विकसित किया जो न सिर्फ देश में हल्के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों के लिए अंतरिक्ष में सेवाएं देगा। SSLV 500 किलोग्राम से कम वजन वाले उपग्रह को निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। अगर इसरो की माने तो अंतरिक्ष क्षेत्र में सेवा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए SSLV रॉकेट एक सप्ताह के भीतर तैयार किया जा सकता है। छात्राओं के द्वारा इस सैटेलाइट को तैयार कराने के पीछे एक मकसद ये था कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं यानी लड़कियां आगे आएं और इंस्पायर हों। जब ये आजादी सेट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा और काम करने लगेगा, तब उसके बाद निश्चित रूप से छात्राओं के योगदान की सराहना होगी और उनसे बाकी जो छात्राएं हैं वो भी विज्ञान के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर होंगी। india.com पर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।